मारन भाई, तेरा नाम पूछा तो किसी ने नहीं बताया। जैसे ही मैंने भूमि नाम लिया तो यहाँ तक छोड़ कर गए। बनपाव कैसी है, आप कैसे हैं? यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? मैं मजाक कर रहा था। अरे कोई नहीं मामा, बेकरी का ख्याल रखना, मेरे आने तक यहीं रुकना, खाना हम साथ में खाएंगे, काम निपटा कर आ जाओ वापस। भाभी बाद में मिलता हूँ, मैं बहन की शादी का कार्ड देने आया हूँ। एक मिनट आइए दामाद जी। अरे पहले यहाँ आइए ना। ए तू जा, आपको पैसों की जरूरत है ना? क्यों? टेंशन मत लीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हु मच? अरे इंग्लिश में हु मच ही पूछते हैं ना। नहीं वो मैं संभालूंगा। अपने मामा से कहते हुए कैसी झिझक, बिंदास बताइए। ये लीजिए, मेरे पास और भी है। हाँ सब बचा कर रखा है। रखो, कुल मिलाकर 11,528 रुपए हैं। एक एक रुपया बचाकर मैंने इतनी बड़ी रकम जमा की है। ये सारा पैसा रखिए और अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। हैप्पी? मेरी भांजी को मत बताना वरना वो मेरी धुलाई कर देगी। आप तो बड़े ओरिजिनल मत हो, हमारे ही पैसे थे, काम आ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात। देखिए हमें 3,25,00,000 रुपए चाहिए। आपने जो पैसे दिए ना उससे तकरीबन 2,000 गुना और ज्यादा चाहिए। 3 करोड़? 3 करोड़ में जीरो कितने होते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। मेरे पास तो इतना ही था, मुझे माफ कर देना। अरे सचमुच इससे काम नहीं बनेगा। मामा आपका दिल 3 करोड़ रुपयों से ज्यादा बड़ा है। मेरे पैसे कम पड़ गए। ये पैसे संभाल कर रखिए। नमस्ते सर, मैं निर्मार। देखिए मैं चाहता तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन करता मगर नहीं किया। सर क्या हुआ? सर खुद ही देखिए, 1 लाख, 1.5 लाख, 20,000, 15,000, 10,000 छोल बंधन से आपके अकाउंट में आज सुबह से ही पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं। क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ सर? हाँ जरूर। शोलवंदन पोस्ट। अरे मुझे मारन बेटा, मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए भेजे हैं, मिले क्या? मुनुस्वामी भाई आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बेटा मैंने अरिवू के पास अपनी जमीन गिरवी रखी है। अच्छा मुझे फोन दो। अच्छा सुनो, मैंने अपनी बहन की शादी थोड़ा आगे ढकेल दी है, उसके ससुराल वालों को समझा दिया है, वो भी चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। काली मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, उस अरिवू के पास जाने की क्या जरूरत थी? तो क्या हम तुम्हें इसी तरह मुसीबत में देखते रहते जबकि तुम सारी मेहनत हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हो? अगर तुम नहीं होते तो ट्रेन यहाँ कभी नहीं रुकती, और तो और जमीन की कीमत आसमान छू रही है। अरे मुझे फोन दो। हेलो मारन, मैंने भी तुम्हें 8,000 रुपए भेजे हैं, मिले ना? मिलेगा, मिल गए दीदी, उसे मिल गए हैं, दादा को फोन देती हूँ। राजू फोन करना। सुनो बेटा मारा, दादा इस बार मिर्च की खेती की है और उसे बेचकर तुम्हें 500 रुपए भेजे हैं, मिले क्या? वह सूखे की तकलीफ है और आपने क्या जरूरत थी दादा? मारन छुट्टी तेरे से बात करना चाहती है। पहले मैं। ये ले बेटा, मारन मामा से बात कर। हेलो बोल। हेलो बोल। मारन मामा, मैंने भी पैसे भेजे, मिले क्या? इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने मेरे पैसों का गुल्लक तोड़ दिया और उसमें से सारे पैसे भेज दिए। इस काम में जो भी अपना योगदान करना चाहता है कर सकता है। एक एक करके लाइन में। दादाजी धन्यवाद। 37,000, 12,000, 40,000, 31,000। बेटा ठीक से देख, 31 लाख है। बेटा मारन, अब तू जल्दी से हवाई जहाज लेकर यहाँ पर आ जा। अपनी बेटी की शादी के लिए सबको हवाई जहाज में ले जाऊंगा। नहीं चाचा, पहले आपकी जमीन अरिवू से छुड़ाएंगे, मैं खुद वहाँ कर उससे बात करता। बेटा मारन, माँ तू चिंता मत कर, यहाँ सब ठीक है। मैंने अरिवू से बात करके जमीन के कागज वापस ले लिए हैं, उसने 6 महीने का ब्याज भी माफ कर दिया है। एकता में ताकत होती है बेटा। अब हार होगी या जीत ये तुझ पर निर्भर करता है। पूरा भरोसा है, तू जीतेगा बेटा, तेरे बाबा का आशीर्वाद तेरे साथ है। हम सब मिलकर तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, तू जीतेगा, बस तू ईमानदारी से काम करता। अरे चिंता मत करो, जीत के आएगा वो, जरूर जीतेगा। चलो फोन रखो। ठीक है माँ।